हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस आपको थंबनेल देख के तो समझ आ ही गया होगा, तो ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड आप लोगों की वीडियो, क्वेश्चन आंसर वीडियो, मेरी पहली क्वेश्चन आंसर वीडियो जिसके लिए आप लोग काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने पिछले टाइम में प्रीवियस लाइव में आई थी तो मैंने आप लोगों के ढेर सारे क्वेश्चन लिए थे, तो उनमें से मैं आज कुछ क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। और जिनके भी क्वेश्चन रह जाएंगे डोंट वरी गाइस, मैं नेक्स्ट लाइव आऊंगी 1.5 मिलियन पे, तो आप मेरे को लाइव में आकर के कॉमेंट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ले लूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वीडियो में मैं उसका आंसर कर दूंगी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा सवाल जो थे उसको मैं आज क्लियर करने वाली हूँ, तो आप लोगों को जवाब मिल जाएगा उस चीज का। और वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले। वन मोर थिंग गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ। ये है वो अमेजिंग प्रोडक्ट, दीज आर द लिप बाम फ्रॉम डर्माको, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लिप बाम है गाइस। ये लिप बाम दो वेरियंट में आता है, 1% कोजिक एसिड लिप बाम एंड 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स लिप बाम। ये दोनों ही वेरियंट अपनी जगह पे बहुत ही बढ़िया है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये छोटे से कैप्सूल में आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। पहला वाला है ये 1% कोजिक एसिड लिप बाम, विच इज अमेजिंग फॉर टैकलिंग पिगमेंटेड और डार्कर लिप। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है कोजिक एसिड, ये हमारे लिप से पिगमेंटेशन को हटाता है और उसे लाइटन अप करता है। बहुत ही अच्छा क्रीमी फॉर्मूला है इसका जो कि स्मूथली ग्लाइड हो जाते हैं हमारे लिप्स पर एंड फील सुपर कम्फर्टेबल। एंड आई लव द फैक्ट कि इसमें SPF 30 भी है, बिकॉज वी ऑल नो दैट सन एक्सपोजर से हमारे लिप्स कितने डार्क हो सकते हैं। अगर आपके लिप्स बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड चैप्ड है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स लिप बाम, इसके अंदर है पावर ऑफ सेरामाइड्स एंड विटामिन ई टू हील ड्राइनेस, रिपेयर योर मॉइस्चर बैरियर एंड लीव योर लिप्स सॉफ्ट एंड नरिश्ड। ओवरऑल आई क्वाइट इम्प्रेस हाउ दिस डर्मेटोलॉजिस्ट लिप बाम टारगेट स्पेसिफिक लिप इश्यू। और हाँ, मैं एक चीज ये भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी नया स्किन केयर ट्राई करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना। इस लिप बाम का जो भी लिंक होगा मैं टैग कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में और मे बी पिन कॉमेंट में, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, अगर आपको इस डर्माको के लिप बाम के बारे में जान के अच्छा लगा तो देयर इज मोर टू लव अबाउट डर्माको। नॉट ओनली वेन यू परचेज एंड इनहेंस योर स्किन केयर रूटीन बट इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स नोवल कोर्स। द डर्माको हैज एम्पावर्ड 10,000+ स्टूडेंट दिस ईयर थ्रू देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएट। एवरी प्रोडक्ट दैट यू ऑर्डर विद देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट हेल्प टू एजुकेट देम विद भूमि। एज आई टोल्ड यू, डर्माको के सारे प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री है, सो दे इंश्योर अ वेरी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस फॉर यू एंड योर स्किन। ये प्रोडक्ट आपको डर्माको के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे और आप इसे अमेजोन, नाइका और फ्लिपकार्ट से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप डर्माको के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेरा कूपन कोड यूज करते हो MISS2023 तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछा गया था, हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। तो गाइज मेरा सजेशन ये है, सबसे पहले आप ये देखो कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, कोई मेकअप कर रहा है तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है, कोई कॉमेडी कर रहा है तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है, कोई कुकिंग कर रहा है तो आपको उसे भी फॉलो नहीं करना है। आपको इंडिविजुअली ये देखना है कि आपको क्या पसंद है, आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आपको उसके रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल खोलना है, चाहे वो मेकअप हो, कुकिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो या कुछ भी हो। और मेरी मानो तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए ना गाइज कोई रिंग लाइट, कोई बड़ा कैमरा या फिर कोई अच्छा माइक की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए गाइज मैं अपने आपको एग्जाम्पल सपोज करती हूँ क्योंकि मेरे पास खुद भी कुछ नहीं था गाइज, मेरे पास सिर्फ रियलमी का ओप्पो का फोन था जिससे मैं शूट करती थी, नॉर्मल जो कमरे में लाइट होता है उसी पे, और मैं उसी से ग्रो करके आज यहाँ पहुंची हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियोज। तो गाइज यूट्यूब वीडियोज अपलोड करने के लिए ऐसा कुछ आपको तिगड़म नहीं करना पड़ता है, बहुत ही सिंपल है। आप दो तरीके से YouTube वीडियो अपलोड कर सकते हो, आप जाकर के डायरेक्टली YouTube से अपलोड कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन है कि आप जाके क्रोम के थ्रू अपलोड कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि लैपटॉप से एडिटिंग करते हैं, लैपटॉप से ही अपलोड करते हैं, लेकिन मेरी पूछो तो मैं गाइस फोन में ही एडिटिंग करती हूँ, फोन में ही शूट करती हूँ और फोन से ही अपलोड करती हूँ, तो मैं कोई अलग से लैपटॉप वगैरह यूज नहीं करती हूँ। तो आप बेसिकली जाके डायरेक्टली यूट्यूब से भी कर सकते हो, लेकिन मैं करती हूँ वीडियो अपलोड वो क्रोम से करती हूँ। तो आप डायरेक्टली क्रोम पे जाओ, अपना यूट्यूब जो भी आपका ईमेल वो लॉगिन करके रखना, आप वहां से जाके आप कस्टमाइज चैनल करना, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अगर आपको जानना है तो मैं इसके डिटेल में वीडियो बना दूंगी। लेकिन हाँ, अभी के लिए कि मैं क्रोम से अपलोड करती हूँ अपने वीडियो और अपने फोन से अपलोड करती हूँ, कोई लैपटॉप यूज नहीं करती।
क्वेश्चन नंबर थ्री, माय फेवरेट कलर। सो गाइस, जो मेरा फेवरेट 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 कलर है, जो कि मैं कितना भी पहन लूँ कितना भी ले लूँ तो कभी मेरा मन नहीं भरता है, इज ब्लैक। तो मैंने आपको शायद लाइव में भी बोला था कि मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन मैं अभी आपको इसमें बता दूँ क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन मिला है। मेरा फेवरेट कलर जो है वो ब्लैक है, मुझे ब्लैक पहनना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई लॉजिक है, बस मुझे ब्लैक पसंद है तो पसंद है, दैट्स इट। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है अपलोडिंग टाइम, मतलब वीडियो अपलोडिंग टाइम। तो गाइज, ऐसा कोई स्पेसिफिक वीडियो अपलोडिंग टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो मैं आपको एक दो चीज फॉलो करने के लिए बोलूंगी कि आप अपना वीडियो का जो भी एनालिटिक होता है उसको चेक करो, उसके अकॉर्डिंग जाकर के आप अपलोड कर सकते हो। आप देखो कि आपके ऑडियंस जो है वो किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सुबह के टाइम एक्टिव रहते हैं, दोपहर के टाइम या शाम के टाइम। जिस टाइम पे आपकी ऑडियंस ज्यादा एक्टिव होगी, आप बेटर होगा कि आप उस टाइम पे वीडियो अपलोड करो, तो आपको थोड़ा व्यूज ज्यादा मिलेगा। एंड दैट्स इट, बस आप यही फॉलो करके आप अपलोड कर सकते हो वीडियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय फेवरेट यूट्यूबर। तो गाइज, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मेरा ना कुछ ऐसा फिक्स नहीं है गाइज। बहुत सारे यूट्यूबर है जो मुझे इक्वली पसंद है, मेरे इक्वली सारे फेवरेट है, ऐसा नहीं है कि ये कम है ये ज्यादा है। तो मुझे बहुत सारे पसंद है, जैसे कि प्रगति अच्छी लगती है, सारा दी अच्छी लगती है, साई स्टाइल, साइमा दी, हिमांशी फ्रॉम दैट ग्लैम गर्ल, वो भी बहुत, उनके शुरू में मैं वीडियोस देखा करती थी, और हिमाद्री ऑफकोर्स, एंड बहुत सारे यूट्यूबर है गाइज, इन्हीं से रिलेटेड उनका जो कॉन्टेंट है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक बिंग सुक्कू करके दी है, बहुत हंसी आती है उनकी वीडियोस देखकर, मैं उनको जेन्युइनली बहुत पसंद करती हूँ। एक जागृति है और एक प्रियंका त्यागी, ऑफकोर्स इतना फनी वीडियो बनाती है वो। तो ये सारे यूट्यूबर्स है जो मुझे बहुत पसंद है, जिनके वीडियो मैं खुद वॉच करती हूँ और मुझे, मैं लाइक इंस्पिरेशन लेती हूँ उनसे, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे इंडियन पसंद है या वेस्टर्न पसंद है। देखो, पसंद तो मुझे दोनों है, लेकिन बोलोगे वेटेज किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो इंडियन की तरफ जाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इंडियन थोड़ा सा ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न। क्योंकि इंडियन लुक की ना गाइज बात ही अलग होती है, जब आप ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार होते हो तो गाइज ऑसम दिखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू मैरिड। तो गाइज, इसका आंसर है नो, आई एम नॉट मैरिड, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने कब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो गाइज, जो मेरा यूट्यूब चैनल था मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, और मैं मई में वायरल हुई थी, और अभी 3-4 महीने हो गए हैं, मेरे 1.5 मिलियन भी अब पहुंचने वाले हैं। तो जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था वो टाइम था 2 साल पहले, अभी से 2 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने, और जब मेरे वायरल होने वाले थे, मतलब जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी, उस टाइम पे मेरे जस्ट 3000 सब्सक्राइबर थे, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, 3000 सब्सक्राइबर था, और वीडियो वायरल हुई और फिर चैनल भी मोनेटाइज हुआ, और आज 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर ड्रीम प्लेस। तो गाइज, मेरे ना ड्रीम प्लेस एक नहीं है, 2-3 है, तो आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता ही दूं। एक तो ना मुझे अतरंगी काम करना बहुत पसंद है, मालदीव्स तो लिस्ट में आएगा ही। मालदीव्स के अलावा जो मुझे पसंद है वो है कि मुझे उस जगह जाना है जहाँ 6 महीने दिन होती है और 6 महीने रात होती है, तो मुझे जाना है नॉर्वे या ग्रीनलैंड, ऐसा ही कहीं पे। और तीसरा, मुझे डेड सी देखना है कैसा होता है, यही सारे मेरे ड्रीम प्लेस है जहाँ पे मैं विजिट करना चाहती हूँ और अतरंगी चीजें देखना चाहती हूँ। सो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मेरे हॉबीज क्या हैं। तो मेरे हॉबीज भी ढेर सारे हैं, डांस, मेकअप एंड कुकिंग। कुकिंग मुझे पसंद है, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी। स्टाइलिंग करना, ड्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना, नॉट उर्फी जावेद, बस उनकी तरह तो मैं नहीं हूँ उतनी बड़ी डिजाइनर, बट स्टिल छोटा मोटा कर लेती हूँ। एंड इसके अलावा मुझे पसंद है ट्रैवल करना, ट्रैवल करना, घूमना मुझे बहुत पसंद है। और खाना तो मुझे उससे भी ज्यादा पसंद है, मैं एक नंबर की फूडी हूँ, इसलिए खा खा के वेट भी बढ़ चुका है अब मेरा, और इसका कुछ करेंगे अब हम। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन आंसर वीडियो। आई होप आपको आपके डाउट्स जो भी थे, आपके जो भी क्वेश्चन थे, उनके जवाब मिल गए होंगे। आप मेरे को कॉमेंट करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वीडियो में जिनके भी क्वेश्चन रह गए हैं उनके ऊपर मैं बना दूंगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलो, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।